bones. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप भविष्य में यमहा की बाइक खरीदने वाले हैं या फिर आपके पास यमहा की बाइक है तो मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप ये वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस कोरोना के महामारी के बीच घर पर हैं और आपकी बाइक की सर्विसिंग नज़दीक आ गई है या फिर इसी बीच आपकी बाइक की सर्विसिंग की डेट आप स्किप कर चुके हैं, नहीं जा पाए कोरोना के रिस्ट्रिक्शन के वजह से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एज पर कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से आपकी बाइक की वारंटी लैप्स हो गई है। जी हाँ, जो कंपनी आपको बोलती है नई बाइक लेने पे कि आपको 2 साल की वारंटी देगी या फिर 30,000 चलाने तक, वो वारंटी वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी अगर आप अपनी बाइक की सर्विसिंग मिस करते हैं। तो इस पर क्या करें, क्या सोल्यूशन है इसका? पहला सोल्यूशन, आपको अपने डीलर से संपर्क करना होगा, कांटेक्ट करना होगा अपने डीलर से और आपको ये जानकारी देनी होगी कि आप कोरोना के रिस्ट्रिक्शन के वजह से आप सर्विसिंग के लिए नहीं जा पाएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये घटना मेरे साथ बीत चुकी है, ऑलरेडी मैं ये सफ़र कर रहा हूँ। मेरी बाइक की सर्विसिंग की डेट स्किप हो गई थी। स्किप होने के बाद जैसे ही रिस्ट्रिक्शन खुले मैं गया डीलर के पास सर्विसिंग के लिए और जैसे ही मैंने उनको अपना सर्विस बुक दिखाया उन्होंने वहीं पे कह दिया कि आपकी बाइक की वारंटी लैप्स हो गई है, इसके बाद आपको पेड सर्विसिंग करानी होगी। ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि ये मेरी गलती नहीं थी, मैं नहीं जा पाया। मेरी जितने भी सर्विसिंग हिस्ट्री थी बाइक की मैं डेट से पहले ही करवा लेता था क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग होती थी। ये मैंने सारी बातें जो डीलर के मैनेजर थे उनको मैंने बताया, उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने बोला कि इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपको पेड सर्विसिंग ही करानी होगी, आपको बाइक की वारंटी नहीं मिलेगी। आप इसके बाद मैंने संपर्क किया मेरे जो डीलर थे, ओरिजिनल डीलर जहां से मैंने बाइक ली थी, मैंने उनसे बात की, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा इशू है, यहां पर क्या बात घटना हुई। उन्होंने मेरी फोर्थ सर्विसिंग, इससे पहले जो मैंने सर्विसिंग कराई थी बकायदा जो डेट है उससे पहले, उन्होंने वो रजिस्टर ही नहीं किया था अपने सिस्टम में, यानी कि वो अपने सिस्टम में उन्होंने वो दिखाया ही नहीं। ये है यामाहा की कस्टमर की सर्विस, कैसे वो ट्रीट करते हैं। अब डीलर के पास मेरे लिए कोई सलूशन नहीं था। इसके बाद मैंने संपर्क किया कस्टमर सर्विस ने, कस्टमर सर्विस ने भी सेम ही कंप्यूटर के लैंग्वेज में जवाब दिया कि सर आपकी बाइक की सर्विसिंग स्किप होने के वजह से आपको वारंटी नहीं मिलेगी, इसकी बाद वाली आपको सर्विस आपको करवानी होगी और इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जो कि फोर्थ वाली सर्विसिंग आपकी यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, वो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, बस इनका यही जवाब था। उसके बाद से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके बाद मैंने अपनी सारे डिटेल यामाहा की जो हेल्पलाइन है उनकी मेल, वहाँ पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको फॉरवर्ड कर दिए, सारे इश्यूज़ मैंने मेंशन कर दिए, साथ ही मैंने यामाहा इंडिया की जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर अपनी इश्यूज़ को वहाँ पर मेंशन किया। मेंशन करने के बाद 48 घंटे के बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये मैं बताना चाहूँ ये हाल ही की बात है, ये परसों की ही बात है, यानी कि 16 सितंबर 2020 की ही बात है। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग सतर्क हो जाए। अगर आप यामाहा की बाइक खरीदने वाले हों तो आप सतर्क हो जाइए इस पेंडेमिक में, क्योंकि यामाहा अगर आप स्किप करते हैं आपकी डेट ऑफ सर्विस, जब आपकी बाइक की सर्विसिंग हो अगर वो स्किप कर जाएँ तो वो वारंटी आपकी लैप्स कर देंगे, वो देंगे ही नहीं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। सो इसी बात के साथ मैं वीडियो को अंत करना चाहूँगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा सर सारे लोगों को कि सेफ्टी फर्स्ट आती है, यानी कि सुरक्षा सबसे पहले आएगी, आप अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें। बाइक की सर्विसिंग मैटर नहीं करती, बाइक की वारंटी मैटर नहीं करती, आपकी लाइफ मैटर करती है। आप मेरे लिए कोई सब्सक्राइबर नहीं है, आप मेरे लिए दोस्त, और मैं अपनी जो भी परेशानी है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, थम्स अप का बटन वहीं पे है प्लीज़ इसे दबा के जाइएगा, और साथ ही वहाँ पर एक सब्सक्राइब का लाल बटन है प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।